आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय टीचर माय क्रश हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में एक स्टूडेंट को अपने ही टीचर से प्यार हो जाता है और इस प्यार के चक्कर में वो किस हद तक जाता है हम देखेंगे इस मूवी में। लेकिन इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने किसी से लाइफ में सच्ची मोहब्बत करी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएँ। स्कूल में एक लाना नाम की 30 साल की टीचर है जो इस स्कूल में 10th क्लास तक के बच्चों को टेक लैंग्वेज के बारे में पढ़ाती हैं। लाना ने आज स्कूल में टेस्ट रखा है तो वो क्लास में सभी को टेस्ट पेपर दे रही है। टेस्ट पेपर देने के बाद में लाना अपनी चेयर पर बैठ जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी वो देखती है सामने चेयर पर बैठा लड़का जो कि अभी स्कूल में नया आया है वो उसको काफ़ी घूर रहा है। लाना की नज़र स्टूडेंट पर पड़ती है, वो उसको घूरते हुए पकड़ लेती है लेकिन स्टूडेंट अभी भी लाना को घूर रहा होता है। लाना फिलहाल इसे इग्नोर करके अपने काम में बिजी हो जाती है लेकिन ये स्टूडेंट अभी भी टीचर को घूर रहा होता है और अपने टेस्ट देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। लाना थोड़ा गुस्से की नज़र से उसे देखती हैं और फिर अपने काम में बिजी हो जाती हैं। स्कूल के बाद में लाना अपनी डॉटर को दूसरे स्कूल से पिक करती है लेकिन जब वो कार को स्टार्ट करती है तो वो देखती है कि सामने से वो नया स्टूडेंट अपनी डॉगी के साथ घूम रहा होता है। लाना उसको ध्यान से देखने लगती है। लाना की बेटी उसको कहती है कि घर चलो तो लाना कार स्टार्ट करती है और फाइनली कार स्टार्ट करते हुए उस स्टूडेंट पर नज़र मारते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट सबके सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है तो पीछे से बेंच पर बैठी दो लड़कियां हंसने लगती हैं तो लाना उन दोनों को अपने फ़ोन से खेलने के लिए मना कर देती है और कहती है कि फ़ोन मेरे हवाले कर दो। वो लड़की फ़ोन लाना को लाकर दे देती है और जाते समय लाना को एक गाली भी बोलती है तो लाना कहती है कि क्या बोला तुमने, तो स्टूडेंट कहती है क्या तुम भेड़ी हो क्या, तो लाना कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे कुछ बोला है, तो स्टूडेंट कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, मैंने तुम्हें डर्टी बीच बोला है। लाना अब इस बात से लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है और स्टूडेंट लाना को बाहर निकाल देती है तो वो स्टूडेंट उसे कुछ बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर भी वो लड़का लाना को ऐसे ही घूर रहा होता है जैसे कि वो क्लास में घूरता है। लंच ब्रेक में लाना जब कॉफ़ी पी रही होती है तो वो देखती है कि वही लड़का उस लड़की को जिसको उसने क्लास से बाहर निकाल दिया था उसके साथ बदतमीजी कर रहा है और वो उसका बैग खाली कर देता है, उसकी साइकिल को भी फेंक देता है। और यहाँ पर हम सबको ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़का जो है वो अपनी टीचर की बदतमीजी का बदला ले रहा है। लाना लंच ब्रेक में स्कूल की एक टीचर से पूछती है कि ये जो नया स्टूडेंट आया है वो थोड़ा अजीब बिहेव सा नहीं कर रहा, तो वो टीचर कहती है कि वो उसका नाम बेनी है और मुझे तो वो सही लगा, उसमें तो मुझे कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। जब लाना को ये पता चलता है कि बेनी बिल्कुल नॉर्मल इंसान है तो वो स्कूल की छुट्टी के बाद में बेनी को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो वो बेनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है। वो बेनी को बैठने के लिए बोलती है। बेनी ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था इसलिए लाना उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है, तुम्हें स्कूल पसंद आया क्या, तो वो कहता है कि हाँ ओके। तो लाना पूछती है कि तुम अपने क्लासमेट के साथ घुलते मिलते नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बेनी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। इस तरह के आंसर से लाना को कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसा रिएक्ट करे, तो वो पास में बैठी एक चेयर उठाती है और उसके पास बैठ जाती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ। और ये कहते हुए लाना अपना हाथ बेनी के पैर पर रख देती हैं तो बेनी कहता है कि मुझे सच सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या। इस बात पर लाना फिर से बेनी को कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, लास्ट वीक मैंने तुम्हारा टेस्ट चेक किया था, तुम्हारा स्कोर काफ़ी नीचे है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ। लेकिन बेनी हंसता रहता है और कहता है कि मुझे सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या। जब बेनी बिल्कुल भी समझ नहीं पाता तो लाना कहती है ठीक है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब बेनी को ये समझाने की जो कोशिश थी वो नाकामयाब रही। लाना घर आकर सभी स्टूडेंट के स्कोर कार्ड चेक कर रही होती हैं तो वो देखती है कि बेनी का स्कोर बहुत ही कम होता है और इसी बात को समझाने के लिए वो बेनी के साथ क्लासरूम में गई थी। अगले दिन क्लासरूम में छुट्टी के बाद में सारे स्टूडेंट चले जाते हैं तो लाना भी अपना बैग पैक करने लग जाती है। बैग
बैग पैक करने के बाद में जब वो क्लासरूम में जा रही होती है तो वो देखती है कि क्लास में बेनी का बैग रखा हुआ है। वो बेनी का बैग उठाती है, उसको ओपन करती है। ओपन करते हुए क्लासरूम के बाहर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, तो वो बेनी के बैग में से बेनी की टी शर्ट को निकालती है और उसको स्मेल करने लग जाती है, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि लाना बेनी से काफ़ी अट्रैक्टिव फील करती है। थोड़ी देर बाद में बेनी उस टी शर्ट को बेनी के बैग में डाल देती है और वो अचानक से देखती है कि जैसे कि उसे क्लासरूम से बाहर कोई देख रहा हो, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता था। लाना घबरा कर बाथरूम में चली जाती है और अंदर गहरी सांसें लेती है। लाना बाथरूम में मिरर में देखती है और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर पानी पीने लग जाती है। जब वो अपना सर पानी पीकर ऊपर उठाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बेनी खड़ा है। लाना बेनी को देख कर हैरान हो जाती है, लेकिन बेनी लाड़ा का हाथ पकड़ लेता है। लाड़ा काफ़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन वो बेनी के चार्मिंग अट्रैक्शन से रजिस्ट नहीं कर पा रही थी और वो बेनी को बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रही थी। बेनी लाड़ा के नेक पर किस करता है, लेकिन जब वो लाड़ा को लिफ्ट पर किस करने लगता है तो लाड़ा पीछे हट जाती है और वो कहती है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये बात तुम अच्छे से समझ लो। जब लाड़ा जाने लगती है तो बेनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना, तो लाड़ा कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारे साथ अफेयर नहीं कर सकती, ये बात तुम क्यों नहीं समझते हो, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह जब वो क्लासरूम में जाती हैं तो वो देखती है कि क्लास में सभी बच्चे टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बेनी उसको वैसे ही घूर रहा होता है। लाना बेनी को देखती है और गुस्से की नज़र से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी टस से मस नहीं हो रहा होता। फाइनली लाना को ही अपनी नज़रें झुकानी पड़ती हैं। क्लास के बाद में बेनी चलते चलते लाना के पास आ जाता है और उसके कंधे से अपना कंधा टच करते हुए कहता है, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। लाना को जैसे पता ही हो कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, लाना बेनी को स्कूल के कोने में ले जाती है और कहती है कि क्या कर रहे हो बेनी, देखो हमारे बीच जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तभी वहाँ पर स्कूल के दो और टीचर आ जाते हैं और ये बात करते करते रुक जाते हैं। इन दो टीचर के चले जाने के बाद में और कोई आसपास ना होने के बाद में लाना फिर से कहती है, ये सब नहीं होगा, और कहती है कि मुझे भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो। बेनी वहाँ पर खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है और लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद में लाना जब पार्किंग में अपनी कार के पास जाती है तो वो देखती है कि उसका कार का जो फ्रंट मिरर है वो टूटा हुआ है और डंट भी लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बेनी ने ही ये सब किया है। लाना चारों तरफ देखती है लेकिन उसको वहाँ पर कोई नहीं मिलता। लाना अपनी डॉटर को लेकर घर आ जाती है और जब वो गार्डिंग कर रही होती है तो उसका पति पूछता है कि कार में डेंट कैसे लगा, तो वो कहती है कि किसी से टक्कर हो गई थी। फिर लाना कहती है कि जाओ तुम अपनी चाय पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। लाना फिलहाल ये बात अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि वो बताएगी तो बेनी के साथ जो भी उसकी बातें हुई हैं वो सब भी उसे पता लग जाएंगी। अगले दिन लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स को एक टेस्ट पेपर देती है जिसमें जॉब से बारे में कुछ लिखना होता है, तो बेनी क्वेश्चन करता है कि जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ते हैं क्या। इस बात पर लाना काफ़ी हैरान हो जाती है और क्लास के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं, तो लाना कहती है कि पागल हो गए हो क्या, चुपचाप मेरी क्लास से निकलो। जब क्लास का माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है तो लाना बेनी के पास जाती है, उसका बैग उठाती है और बैग को क्लास से बाहर फेंक देती है और गुस्से में कहती है कि निकलो यहाँ से और जाओ प्रिंसिपल के पास। लेकिन बेनी को अभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से लाना को ऐसे ही घूर रहा था। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट बोर्ड पर डस्टर फेंक देता है और सारे स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं। अब क्लास का माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि लाना परेशान होकर क्लास से खुद ही बाहर चली जाती है। अगले दिन लाना जब जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। लाना काफ़ी डर जाती है और इधर उधर देखती है तो उसको कोई भी नज़र नहीं आता, लेकिन लाना ये देखकर काफ़ी डर जाती है, तो डर के मारे वो वहाँ से भागकर वापस अपने घर की तरफ चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी डॉटर को पढ़ाने लग जाती है। तभी लाना के घर पर फ़ोन रिंग करता है। लाना जब फ़ोन पिक करती है तो दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। काफ़ी अपसेट हो जाती है। लाना वापस अपनी बेटी को पढ़ाने बैठने ही वाली होती है तभी वापस से फ़ोन रिंग करता है।
इसको पता चल जाता है कि ये जो भी हो रहा है ये बेनी कर रहा है। उसको मन ही मन काफ़ी डर बैठ जाता है और वो टेलीफोन को रिसीवर के नीचे ही रख देती है। इस बार लाना काफ़ी डर जाती है। अगले दिन लाना स्कूल में जाती है तो वो क्लासरूम के बाहर से ही देखती है कि बेनी अंदर बैठा है। तो वो लाना बेनी को देखकर काफ़ी डर जाती है और क्लासरूम के बाहर से ही काफ़ी सोचने लग जाती है, जैसे कि वो अंदर ही अंदर जाने से काफ़ी डर रही हो, उसका डर उसको रोक रहा हो। लाना बेनी से इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो आज के दिन स्कूल से छुट्टी ही ले लेती है और वो अपने घर जाकर चली जाती है और अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करती है। अगले कुछ दिनों तक लाना स्कूल का ऑफ ले लेती है और उसका रूटीन यही रहता है कि वो अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो अपनी डॉटर को स्कूल से पिक करती हैं, ड्रॉप करती हैं और अपने घर के पास लेक पर खड़ी होकर टाइम स्पेंड करती हैं। आज लाना बिल्कुल अकेली एक आर्ट गैलरी में टाइम स्पेंड करने के लिए गई है। इस मॉडल आर्ट के चाहने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए आज गैलरी बिल्कुल खाली जैसी है। लाना की नज़र एक आर्ट में चली जाती है जो इस आर्ट को बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी उसको लगता है कि बेनी उसके पीछे आ गया है। तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो सच में ही वहाँ पर बेनी खड़ा होता है। लाना काफ़ी घबरा जाती है और आर्ट गैलरी से बाहर चली जाती है और आर्ट गैलरी के दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर भी बेनी उसके पीछे पीछे आ गया है। लाना देखती है कि स्कूल में जो लड़का उसके पीछे पड़ा था, अब वो आर्ट गैलरी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लाना बेनी से इतना डर जाती है कि वो डायरेक्टली उसको फेस ही नहीं कर पा रही। तो बेनी अपनी मस्ती में लाना के पीछे ऐसे चल रहा था जैसे कि वो कुछ गलत ही नहीं कर रहा है। लाना आर्ट गैलरी से एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन बेनी ठीक उसके पास में आकर खड़ा हो जाता है। लाना कुछ देर तक सोचती है, फिर वहाँ से तेज़ी से जाने लगती है। लाना नीचे की फ्लोर पर जा रही है तो वो देखती है कि नीचे फ्लोर पर बेनी ऑलरेडी पहुंच चुका है और वो लाना को सर्च कर रहा है। लाना ये देखकर और ज़्यादा डर जाती है, वो भागकर वापस ऊपर चली जाती है। लाना अब तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती है और तेज़ी से नीचे जाना चाहती है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है लाना लिफ्ट के अंदर चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो वहाँ पर बेनी आ जाता है और वो भी लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। बेनी को देखकर पता नहीं लाना को क्या हो जाता है, वो लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होने के बाद में भी पीछे हट जाती है क्योंकि वो इससे कहीं ना कहीं फिजिकली अट्रैक्ट थी। बेनी उससे कहता है, आई मिस यू। लाना गहरी सांस लेती है और बेनी उसके हेयर से प्ले करने लगता है। लाना बेनी से इतना अट्रैक्ट थी तो वो उसको देखते ही उसको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी उसको पीछे ढकेल देता है। लाना को समझ नहीं आता, वो पीछे हो जाती है और कुछ देर बाद में यहाँ पर ये दोनों फिजिकल होते हैं। अब लाना की ज़िंदगी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी तो बेनी को चाहती है, लेकिन उसका पति, उसकी डॉटर उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कुछ दिनों तक इसी कंफ्यूजन में रही कि अब वो क्या करे। क्या वो बेनी के साथ ऐसे ही रिश्ता बनाती रहे या फिर वो बेनी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाले। लाना ने मन ही मन में एक ऐसा प्लान बनाया जिससे उसकी फैमिली भी सेफ हो जाए और वो बेनी से छुटकारा भी पा सके। लाना कई दिनों के बाद में वापस स्कूल आई है। अब उसने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया है। वो स्कूल में छुट्टी होने के बाद में ऑफिस रूम में जाती है और चारों तरफ देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा या कोई है तो नहीं, और लाना वहाँ पर कुछ चीज़ ढूंढ रही है। काफ़ी ढूंढने के बाद में वहाँ पर उसे चाबियों का एक गुच्छा मिलता है। अब इन चाबियों से लाना एक लॉक खोलती है। काफ़ी चाबियाँ ट्राई करने के बाद में एक चाबी से लॉक खुल जाता है। इस अलमारी में एग्ज़ाम के काफ़ी पेपर रखे हुए हैं। लाना इन अलमारी में से एक लिफाफा उठाती है और इसमें से एक पेपर निकाल कर अपने बैग में डाल देती है और लिफाफे को वापस अलमारी में रख कर अपने उसमें लॉक लगा कर चाबी अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है। स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा होता है तो लाना सभी स्टूडेंट को कोट चेक करती है, उसमें से बेनी का कोट ढूंढ लेती है और उसके द्वारा चुराया गया पेपर बेनी के कोट में डाल देती है और उसको चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना जब स्कूल में आती है तो वो बहुत खुश दिखाई देती है और वो देखती है कि बेनी के पेपर चोरी करने की वजह से उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। और बेनी भी लाना को देखता है, वो देखता है कि लाना के चेहरे पर अजीब सा सुकून और अजीब सी स्माइल है।
वो और लाना काफ़ी खुश है क्योंकि उसको आज बेनी से छुटकारा मिल गया है। अगले दिन लाना और उसकी पति पिकनिक के लिए एक लेक पर जाते हैं और वो काफ़ी देर स्विमिंग करते हैं। बेनी से छुटकारा पाने के बाद में लाना काफ़ी खुश होती हैं। वो देखती है कि उसका पति लेक में डुबकी लगा रहा है, तो वो भी लेक में डुबकी लगाती है। और जब लाना लेक से वापस अपना सर ऊपर उठाती है तो वो देखती है कि उसका पति कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वो काफ़ी देर इधर उधर नज़रें घुमाती है लेकिन उसका पति उसको नज़र नहीं आता। लाना इस बात से काफ़ी डर जाती है। उसको ऐसा लग रहा है कि बेनी वापस आ गया है और उसको फिर से सताने लगा है। तभी वो देखती है उसका पति लेक से बाहर आ गया है। बेनी का डर अभी भी लाना के मन और दिमाग से गया नहीं था। लाना अगले दिन स्कूल जाती है। वो देखती है कि बेनी की सीट खाली पड़ी है लेकिन लाना को कल वाली खुशी नहीं है। उसको काफ़ी अजीब लग रहा है। लाना बेनी को क्लासरूम में इमेजिन करती है। वो उसके साथ बिताए टाइम को भुला नहीं पा रही है। बार बार उसके दिमाग में बेनी का ख्याल आता है। बेनी को उसने अपने फिजिकली लाइफ से निकाल दिया था लेकिन मेंटली उसके दिमाग में बेनी आज भी घुसा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। कुछ दिनों के बाद में लाना एक बुक स्टोर में जाती है जहां पर वो अपनी डॉटर को एक बुक दिलवाती है। लेकिन डॉटर को बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो वो नाराज़ हो जाती है और बुक स्टोर में दूसरे कोने पर चली जाती है। तो लाना अपनी डॉटर को ढूंढने लगती है। काफ़ी ढूंढने के बाद में भी उसको अपनी डॉटर नज़र नहीं आती। वो परेशान हो जाती है और स्टोर मैनेजर से बात करती है। और फिर क्या, वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी फुटेज देखते हैं। फुटेज में लाना देखती है कि बेनी भी वहाँ पर खड़ा है। उसको देखकर लाना समझ जाती है कि बेनी ने ही उसकी डॉटर को किडनैप किया है और वो घबरा जाती है। तभी उसके पति का कॉल आता है। लाना अपने पति को बताने ही वाली होती है तभी उसका पति उससे कहता है कि हमारी डॉटर घर आ चुकी है, उसको कोई लड़का यहाँ पर छोड़ कर गया है। लाना यहाँ पर काफ़ी रिलैक्स फील करती है और अब पिता क्योंकि उसकी बेटी घर पर पहुँच गई है। लेकिन अब लाना को लग रहा था कि बेनी इतना ख़तरनाक है कि उसको बिना बताए ही उसकी डॉटर को उसके घर पर छोड़ गया है, तो वो उसको पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। लाना फिजिकल तो बेनी से अट्रैक्ट थी लेकिन वो मन ही मन जानती थी कि ये गलत है। ऐसे फिजिकल अट्रैक्शन में वो अपनी फैमिली को बर्बाद कर देगी, इसलिए वो किसी भी तरह से बेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। बेनी दिन रात उसके दिमाग में रहता था, उसे सोने नहीं देता था, उसको उसके पति के करीब जाने नहीं देता था। लाना बेनी से अगले दिन हमेशा के लिए छुटकारा पाने का प्लान कर चुकी होती है। अगले सुबह लाना बेनी के घर के बाहर थोड़ी दूर पर कार खड़ी कर देती है। जब बेनी स्कूटी लेकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था तो लाना भी उसके पीछे कार चलाती है। बेनी तेज स्पीड में स्कूटी चलाता है तो लाना की कार की स्पीड भी तेज हो जाती है। जब वो बेनी टर्न लेता है तो उसके पीछे लाना भी टर्न रहती है। ऐसा लग रहा था कि लाना के यहाँ इरादे कुछ ठीक नहीं है। जैसे उसके मन में जो उसकी ज़िंदगी में उथर पुथर मची है वो उसको हमेशा के लिए शांत करना चाहती है। और बेनी टर्न लेता है तो लाना देखती है कि उसके आसपास सुनसान एरिया है, वहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं लगा है। तो बेनी को साइड से बहुत ज़ोरदार टक्कर मारती है जिसकी वजह से बेनी अब मर जाता है। लाना वहाँ पर रुकती नहीं है और थोड़ी डरी हुई ही सही वो कार चलाती चली जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में उसको एहसास होता है कि बेनी को उसे देखना है कि वो मरा है या नहीं। बेनी मर चुका था लेकिन लाना के मन में बेनी का डर कुछ ऐसा बैठा था कि इसका अंजाम बेनी के लिए काफ़ी दुखद हुआ। लाना ने यहाँ पता नहीं सही करा या गलत करा, उसने अपने मन की बात सुन ली और इसी तरह इस मूवी का एंड हो गया। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।